मैं डर गई थी, मैंने जो ऑडियंस टिकट लिया था फिर मैं तो मेरा नाम पारुल शरण संवेदना है, संवेदना मेरा कलम नाम है और मैं मानती हूँ कि मैं एक कवित्री हूँ। आनंद सर और मैम के सामने बोले मैं कवित्री हूँ। हालांकि मैं मानती हूँ कि कविताएं अपने शब्दों का निर्धारण खुद करती हैं, कविताएं अपने शब्दों का निर्धारण खुद करती हैं और मैं सिर्फ कलम पकड़ना चाहती हूँ, पर चूंकि मुझे कलम पकड़ने का अभ्यास है इसीलिए खुद को कवित्री मानती हूँ। तो अभी जो मैं सुनाने वाली हूँ वो एक छोटी सी वो कविता है, आप परिभाषा में आप लोग एक्सपर्ट हैं, आप बताइएगा वो क्या है और हर दो पंक्ति में ही अर्थ निकल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। कहानियां जब खत्म होती हैं, कहानियां जब खत्म होती हैं कविताओं का सफर शुरू होता है। कहानियां जब खत्म होती हैं कविताओं का सफर शुरू होता है, रात को रात समझो तभी रात का असर शुरू होता है। जब बात दिल को चुभी हो, जब बात दिल को चुभी हो तो मुंह से निकलने वाला हर शब्द रोता है। इलाज तो हर चीज का है, इलाज तो हर चीज का है, दवा दिल में हो तो असर शुरू होता है। मुस्कुराए तो तभी भी थे, मुस्कुराए तो तभी भी थे, जो खुल के हंसे तो खुशियों का मंजर शुरू होता है। रिश्तों में ज्यादा ध्यान दे दो तो रुकना मनाना ना रुकर शुरू होता है। रिश्तों में ज्यादा ध्यान दे दो तो रुकना मनाना ना रुकर शुरू होता है। इबादत हाथों से ज्यादा आंखों से हो, इबादत हाथों से ज्यादा आंखों से हो तो दुआओं का असर शुरू होता है। क्या अब जो दूसरी कविता सुनाने जा रही हूँ वो मुख्य कविता है, मैंने बैठक के लिए बचा के रखी हुई है बहुत दिनों से, और जैसा सर ने कहा मैं बहुत दिन से आना चाहती थी, समय की कमी और एज यू नो वी आर हैविंग अ मल्टीटास्क, सो इसलिए मैं नहीं आ पा रही थी। तो ये जो कविता है ये बहुत साधारण विषय पर है, मैं एक साधारण कवित्री हूँ, साधारण विषयों पर लिखती हूँ, साधारण लिखती हूँ, ठीक है। कविता सुनाने से पहले आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। आप लोगों ने इसे कितने लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है? सब मार खाने के लिए हम 90s के हैं, हमने मार नहीं खाई है। बड़े वाले उसको ज़्यादा तेज लगता था तो इस्तेमाल किया। अभी भी इस्तेमाल करते हैं कोई नहीं करते हैं मैं करती हूँ। तो जो लोग नहीं करते हैं उस कविता के बाद पूछूंगी कि अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली इस्तेमाल कर रहे हैं क्या, ठीक है। तो इस कविता का नाम है हिसाब। हिसाब। मैं थोड़ा तेज हंसती हूँ, मैं थोड़ा तेज हंसती हूँ, मेरे दांत औसत लोगों से 1-8 सेंटीमीटर ज्यादा बड़े हैं। मैं थोड़ा तेज हंसती हूँ, मेरे दांत औसत लोगों से 1-8 सेंटीमीटर ज्यादा बड़े हैं। जब मैं हंसती हूँ तो मेरे होंठ औसत लोगों से 1-2 सेंटीमीटर ज्यादा खुल जाते हैं। बड़े दांत और हिसाब से ज्यादा खुले होंठ लिए जब मैं हंसती हूँ तो आईने में खुद को भी अजीब दिखती हूँ, और ये सब सोच के अपनी हंसी नहीं रोकती हूँ। मैं अपनी उम्र की महिलाओं के नाचने की औसतन गति से तेज नाचती हूँ। मैं अपने उम्र की महिलाओं के नाचने की औसतन गति से थोड़ा तेज नाचती हूँ, मौका मिले नहीं कि शुरू हो जाती हूँ। बहुत ज्यादा किसी के पूछने का इंतजार नहीं कर पाती हूँ, औपचारिकता में नहीं रह पाती हूँ। मेरी उम्र की औरतें जितने व्यास में कमर घुमाती हैं, व्यास यानी डायमीटर, जितने व्यास में कमर घुमाती हैं मैं औसतन उससे 4-5 सेंटीमीटर ज्यादा ही घुमाती हूँ। सिर्फ यही नहीं, जिन लालों पर नाचती हूँ उन्हें गा गा कर खुश हो जाती हूँ, अगल बगल वालों को भी खींच खींच कर नचाती हूँ। मैं कवित्री हूँ, संजीदा बातों पर लिखती हूँ, पर हर वक्त
डायरी कलम टेबल लैंप के संग नहीं दिखती हूँ। एक हिसाब से शायद अटपटा लग सकता है आपको मेरा औसतन आवाज से तेज आवाज में हंसना, नाचते वक्त औसत ब्याज से तेज कमर घुमाना, वर्षों से जिन बातों को किसी हिसाब से मान लिया गया है उन बातों पर अपनी बात रखना, खुद को किसी एक छवि में नहीं रखना, औसतन सेंटीमीटर से ज्यादा बड़े दांत और औसतन सेंटीमीटर से ज्यादा खुले होठों को जोर से हंसते वक्त हाथों से नहीं ढकना। तो अगर आप किसी हिसाब से सीमित नहीं करते हैं खुद को, यदि आप किसी हिसाब से सीमित नहीं करते हैं खुद को, तो आपको जिंदगी मुबारक हो। तुझे बिना पगली ये पुरवाई, तुझे बिना पगली ये पुरवाई, तुझे बिना पगली ये पुरवाई, आके मेरी चुंदरी में भर गई, तू कभी Thank you.